हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म है वो आ चुका है, तो आप उसको कैसे भर सकते हैं, आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से बिल्कुल आसानी से। तो गाइज, चलिए हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं। सो गाइज, मैं हूं रतन राज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री बाली टेक में। गाइज, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ से अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। गाइस, जैसे अपने लैपटॉप में बताएंगे आप बिल्कुल उसी प्रकार से अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल सेटिंग में जाकर के वहां पर डेस्कटॉप मोड को ऑन कर देना होगा। गाइस, चलिए हम यहाँ जैसे हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होता है तो देखिए हमको यहाँ पे सर्च कर लेना है www.sarkarirezult.com। तो गाइस, जैसे हम sarkarirezult.com को सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, जैसे नया पेज ओपन होता है तो हमको स्क्रॉल करके नीचे चले आना होगा। फ्रेंड, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं देखिए यहाँ पे कई यहाँ आपको हेडिंग मिल जाएंगे, कई आपको सेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा लेटेस्ट जॉब। तो गाइस, जो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब ऑप्शन है, इसमें देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा यूपी ट्रिपल सी पेट ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो हम सिंपली इस पे क्लिक कर देते हैं। गाइस, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा यूपी ट्रिपल सी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, हमको स्क्रॉल करके नीचे चले आना होगा। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं देखिए यहाँ पर आपको सम यूजफुल इम्पोर्टेंट लिंक में देखिए यहाँ दिया होगा अप्लाई ऑनलाइन, इसी के सामने देखिए क्लिक हियर ऑप्शन होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। गाइस, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे ये जो लिंक है ये ओपन हो जाएगी। गाइस, जैसे यहाँ लिंक ओपन होती है देखिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा अप्लाई। तो गाइस, जो यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। उसके पहले देखिए गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है इसका डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, जिससे 28/6/2022 शुरू हुआ है और 27/7/2022 तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। और देखिए यहाँ जो फीस के जो सबमिशन का लास्ट डेट वो भी 27/7/2022 ही है। तो यहाँ देखिए, अब चलिए हम आपको अप्लाई करके बता देते हैं। तो यहाँ देखिए अप्लाई दिख रहा है, हम सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। गाइस, जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। उसके पहले देखिए गाइस, यहाँ दिया हुआ लोअर एज, आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और आप 40 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जो फ्रेंड, चलिए अब हम आपको रजिस्ट्रेशन करके बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन हम इस पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, जैसे यहाँ पे एक पेज ओपन होता है देखिए यहाँ पूछा हुआ है क्या आपने पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी पद हेतु के लिए ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, यदि आपने किया है तो हाँ करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। इसके बाद सिंपली हम जो यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं। गाइस, जैसे हम प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखिए हमसे यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछेगा, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपको एक्सेप्ट कर देना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड, जैसे ही मैं आई एक्सेप्ट पर क्लिक किया देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए आ जाएगा। यहाँ हमारे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएंगे। तो चलिए हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, हम यहाँ फॉर्म फिल नहीं करेंगे क्योंकि हम फिल कर बताएंगे तो टाइम को बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम आपको जो बेसिक चीजें उसको पूरा बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख दिया हुआ है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होगा, यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम लिखना होगा। उसके बाद देखिए आप दिया हुआ है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, मतलब क्या आप यूपी के निवासी हैं, यदि आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर जैसे आप यस करेंगे देखिए यहाँ पे आपको कंफर्म करेगा तो आपको ओके कर देना है। फिर जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ और डिटेल पूछी जाएगा आपके, तो आपको उसको भी फिल कर देना है। जिससे कि आपको यहाँ पूछेगा आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, क्या आप यूपी फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, तो आप यदि हाँ हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देगा आर यू एक्स आर्मी, तो फ्रेंड्स यदि आप हैं तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पोस्ट बारे में दिया हुआ है, यदि आप इसमें कुछ है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पूछा है आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के हैंडीकैप हैं, तो आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा।
और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए नीचे यहाँ ऑप्शन मिलेगा आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, तो यदि आप हैं तो ऐसे ही नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको नीचे बताते हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पूछा हुआ होम स्टेट, तो फ्रेंड्स जो होम स्टेट है मैंने पहले से यूपी सिलेक्ट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश आ रहा है, आपको सिंपली वहाँ क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछेगा होम डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला कौन सा है, तो आप अपने जिले को यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आप पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आप जो भी अपने हिसाब से सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। इसी प्रकार गाइज आपको यहाँ पे अपना डीओबी भर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आप उसको भर सकते हैं यहाँ पर। आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना होगा, आपकी ईमेल आईडी जो होगी उसको भी यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद गाइज देखिए आप पूछा हुआ है आर यू मैरिड, क्या आपकी शादी हो चुकी है, यदि हुई है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज देखिए आप पूछा हुआ है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप यदि आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, यदि एक्स एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम और नीचे आते हैं देखिए यहाँ पूछा हुआ है क्या आपने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है, यदि आपने लिया हुआ है तो एस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद हम और नीचे आते हैं और देखिए आप हमारे जो बोर्ड का है वो बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जो हाई स्कूल में आपको जो भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका पासिंग ईयर पूछेगा, आपने कब पास किया था हाई स्कूल को, आपने जिस सन में भी इसको पास किया हो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो हाई स्कूल का रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपको जो परसेंटेज उसको भी यहाँ पे भर देना होगा, यदि आपका परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सिस्टम में आप क्लिक कर दीजिए, और यदि आपका जो ग्रेड सिस्टम होता है तो आप ग्रेड सिस्टम भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। गाइस जैसे आप परसेंटेज सिस्टम में क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपका जो मैक्सिमम मार्क होगा वो जितना आपने ऑब्टेन किया हुआ है उसको यहाँ पूछेगा, और यहाँ देखिए उसके बाद देगा कितना आपका जो मैक्सिमम मार्क वहाँ था बोर्ड का। जैसे आपका 600 नंबर का होता है बेसिकली हाई स्कूल में, तो आपको यहाँ 600 नंबर डालना है, और यहाँ पर आपने कितना उसमें पाया हुआ था उसको भी आपको यहाँ पर डाल देना है। और गाइस यदि आप ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड सिस्टम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑब्टेन मार्क ये सब नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज पूछेगा। तो भाई आपको परसेंटेज कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। गाइस जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपका जो सीजीपी होगा वो जितना भी सीजीपी होगा उसको आप 9.5 से इंटू कर दीजिए, मतलब 9.5 से उसको गुणा कर दीजिएगा, जितना भी आंसर आएगा वो वही आपका परसेंटेज होगा। तो भाई चलिए हम और नीचे आते हैं, यहाँ दिया हुआ इंटरमीडिएट, तो यदि आपने किया हुआ है तो आप एस कर दीजिए, यदि आपने नहीं कंप्लीट किया हुआ तो कोई बात नहीं है। जैसे ही आप एस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा, जैसे आपने हाई स्कूल में पूरा दिया हुआ है, आप किस बोर्ड से हैं, आपका पास किए हुए हैं, आपका रोल नंबर क्या है, और यहाँ पे आप उसी प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम और नीचे आ जाते हैं। गाइस जैसे हम और नीचे आते हैं देखिए यहाँ पर आप कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएंगे, तो यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसको अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यदि आप नहीं किए हुए हैं तो आपको इसको छोड़ देना है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए पूछेगा इंटर वेरिफिकेशन कोड, तो देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है तो आपको सिंपली इसको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 9। तो गाइस जैसे आप वेरिफिकेशन कोड को फिल करेंगे आपको सबमिट कर देना होगा। तो गाइस जैसे आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे इसको पहले पूरा फिल करके फिर सबमिट करते हैं। गाइस मैंने अपनी बेसिक डिटेल को यहाँ पे फिल कर दिया हुआ है, तो हम सिंपली आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पूछेगा प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना होगा। गाइस जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं देखिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे देखिए यहाँ दिया हुआ होगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, तो हम सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और अपना जो फोटो और सिग्नेचर उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड कर दिया है जिससे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके पहले गाइस हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ जो फोटो साइज होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, और 50 KB की फोटो होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर वो 30 KB का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड जो आपका सिग्नेचर वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, आप हिंदी में अपना नाम लिखिए, उसके ऊपर आप जैसा भी आप सिग्नेचर करते हैं उसी प्रकार से आप सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं आप फोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस यदि आप फोटो को 50 KB में नहीं बना पाते हैं, तो मैंने इस पर पहले वीडियो बनाया कि आप अपने फोटो को कैसे केवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप जितनी भी केवी में उसको कन्वर्ट करना चाहें। तो गाइस इस वीडियो की लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, आप मात्र 1 या 2 सेकंड में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो गाइस जैसे आपको फोटो अपलोड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट
फोटो पर क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ब्राउज ऑप्शन आ जाएगा, हमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी जो गैलरी है ओपन हो जाएगी। तो हम सिंपली यहाँ से अपना कोई फोटो चूज कर लेंगे। गाइस चलिए हम यहाँ से अपनी कोई फोटो चूज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने इस फोटो को यहाँ पे चूज कर लिया है। गाइस जैसे आप फोटो को चूज करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको क्रॉप करने के लिए दे देगा, तो आपको यहाँ क्रॉप कर लेना है। मैं इस प्रकार से यहाँ पे इसको क्रॉप कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए जो क्रॉप ऑप्शन है, हम सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। गाइस जैसे आप हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सेव फोटो डाटा आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जो आपकी फोटो वहाँ पे सेव हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो यहाँ मेरी फोटो है, यहाँ बिल्कुल आसानी से सेव हो चुकी है। आप बिल्कुल इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी सेव कर सकते हैं। चलिए हम अपने सिग्नेचर को यहाँ पे सेव कर देते हैं। फ्रेंड जैसे हम फोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर देंगे, यहाँ जो नीचे कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा, हम सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। गाइस जैसे हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स हमको यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। तो हम सिंपली स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं। फ्रेंड जैसे हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर एज प्रूफ आपको मांगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको भर सकते हैं, अगर यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको मत भरिए, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। और गाइस जैसे हम और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन कुछ दिया हुआ है कि क्या आपने आर्मी मिनिमम 2 साल के यहाँ पे आपने जॉब किया हुआ है, आपने उसको सेवा दिया हुआ था, आप यदि किए हुए तेज कर दी, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए दिया हुआ हैज बीन ऑब्टेंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स बी सर्टिफिकेट, तो आप एस या नो कर दीजिए, यदि आपके पास है तो एस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो एड्रेस डिटेल है आप इसको कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो है यहाँ पूछो नेम केयर ऑफ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने गार्जियन नाम भरना होगा, यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम भर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ दिया होगा हाउस नंबर या विलेज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम भरना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आप दिया हुआ है स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, तो आप यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस भर दीजिए या स्ट्रीट का नंबर भर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आप लोकलिटी कस्बा सिटी, आप इसी प्रकार से इसको यहाँ पे भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे देखिए दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट नेम, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट नेम भर दीजिए, जो आपका जिला हो वही आप भर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए पिन कोड भरना है, तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भर देना होगा। चलिए गाइस हम यहाँ पे पहले इसको भर देते हैं, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेम एस परमानेंट पर क्लिक कर देना होगा, तो उसी प्रकार से इधर भी आपका फिल हो जाएगा। चलिए हम इसको पहले फिल कर देते हैं। गाइस जैसे हमारा जो एड्रेस वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, देखिए यहाँ पूछा हुआ आई एक्सेप्ट डी ऑल अबो डिक्लेरेशन, तो हमको सिंपली यहाँ पे एस कर देना है। चलिए गाइस हम यहाँ पे एस कर देते हैं। गाइस जैसे हम यहाँ पे एस करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्म का प्रीव्यू है उसके लिए आ जाएगा। चलिए हम उसको यहाँ प्रीव्यू करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, हम सिंपली यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। गाइस जैसे हम प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू गेट प्रीव्यू, तो हमको सिंपली ओके कर देना होगा। तो गाइस जैसे हम प्रीव्यू करते हैं, देखिए यहाँ पे कैप्चा हमसे पूछेगा, तो हमको जो यहाँ कैप्चा दिया हुआ है उसको यहाँ फिल कर देना होगा। गाइस जैसे हम कैप्चा को फिल करते हैं, उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए हमसे फिर से यहाँ पूछेगा, तो हमको सिंपली ओके कर देना होगा। फ्रेंड जैसे हम फिर से यहाँ पे ओके करते हैं, देखिए जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली हमसे फीस के लिए यहाँ पेमेंट के लिए बोलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको वेट कर लेते हैं। गाइस जैसे मैं आप इसका वेट करते हैं, देखिए यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए आ गया है। चलिए हम इसको फीस पेमेंट भी यहाँ पे कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए जो हमारा फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है काइंड अटेंशन, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर्सनल डिटेल जो है वो बाद में चेंज नहीं होगी जब हम फीस पेमेंट कर देंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे एस कर देते हैं। गाइस जैसे हम यहाँ पे एस करते हैं, देखिए यहाँ फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ नीचे आते हैं और देखते हैं आप क्या दिया हुआ है। तो गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमको मिल रहा है क्लिक हियर टू पे, तो गाइस हमको एग्जाम फीस के लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन वो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पेमेंट कर देते हैं। तो गाइस पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट, उसके ऊपर एक ऑप्शन हमको दिख रहा होगा, हमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। गाइस जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ कन्वेंस चार्ज इसमें जितना लगेगा यहाँ पे आप पूरा आपको बता देगा, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पेमेंट कर देते हैं, तो हम सिंपली इस पर फिर से बार क्लिक करते हैं।
और यहाँ पेमेंट के लिए यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ ओके पूछेगा, तो हम सिंपली यहाँ ओके कर देते हैं। गाइस जैसे यहाँ पर हम ओके करते हैं, देखिए यहाँ जो पेमेंट के जितने भी ऑप्शन हुए यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पेमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया था कि आप पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, आप कौन से लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। मैंने जो पेमेंट का पूरा डिटेल था उसको यहाँ पे कट कर दिया हुआ है, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। तो आप सिंपली वहाँ से क्लिक करके अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो मेरा पेमेंट वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम यहाँ जो प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑप्शन है हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे गाइस आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे जो पेज है ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसे पेज ओपन होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रोसीड टू डाउनलोड दी प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड जो यहाँ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, जो मेरा फाइनल स्टेप होगा। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं और जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। तो जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है देखिए यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी प्रकार से आप जो UP SSC पेट का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आप सबको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।